एक मिनट भाई, आराम से यार, बात बात हो गई, रुक जाओ, अभी उनका बयान भी आया है, अध्यक्ष जी का भी, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है बात, तो पूरी बात बता देना जी इमरान भाई, अभी रिजल्ट आया, क्या कहना है आपका? क्या देखिए, प्रशासन की दिंगा मस्ती है सीधे सीधे, एक मिनट चुप हो जाओ, हेलो जी अध्यक्ष जी, जी संदीप भाई, आदाब जी संदीप भाई, संदीप भाई जबरदस्ती में जबरदस्ती डिक्लेयर कर रहे हैं, सब बाहर कर दिए, बाहर हंगामा कर रहे हैं, और जबरदस्ती 1200 से डिक्लेयर करने की हो रही है, 1200 से डिक्लेयर करेंगे नहीं, अल्लाह प्रदर्शन तो हो रहा है, पूरे आदमी इकट्ठा है यहाँ, चारों तरफ से लॉक कर दो, चारों तरफ से जी जी सब जी 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 सारी बात को बाहर निकाला है, एक बात पूरी बात ना भाई, एक मिनट चुप हो यार, भाई एक मिनट हिलाइयो मत, कैमरा ना हिलाइयो सर यार, इमरान भाई क्या कहेंगे, इमरान भाई क्या कहेंगे? देखिए हमें चुनाव पूरी तरीके से, क्योंकि दूसरे राउंड से लेकर पहले राउंड में हमारी केवल 67 वोट से समाजवादी पार्टी लीड कर रही थी, और सेकंड राउंड से 27वें राउंड तक लगातार कांग्रेस ने लीड किया है, और कांग्रेस की उस लीड को जब इन्होंने देखा कि लीड कट नहीं रही है, 27वें राउंड में मतगणना बंद कर करके सभी प्रेस वालों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सबको, जो एजेंट थे हमारे सबको बाहर कर दिया, और एक तरफा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से खुल करके प्रशासन भाजपा का एजेंट बन करके काम कर रहा है। क्या कहेंगे आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आया है? देखिए लोकतंत्र की हत्या है, लोक फिर चुनाव के फायदा क्या है, फिर तो अधिकारी को बैठाइए और फिर चुनाव हो जाएगा, बस खत्म बात, लोकतंत्र के अंदर इसकी वोट की फिर ये ढकोसला क्यों, ये ड्रामा क्यों, ये ढकोसला और ड्रामा किस बात के लिए है, लोकतंत्र को पूरी तरीके से कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है बिल्कुल। इस पर किस तरह से क्या मानते हैं, क्या आगे क्या एक्शन लिया जाए? नहीं अब इन्होंने तो ये तो कह रहे हैं ना कि डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अब ये डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया, हमने अपनी पार्टी में भी कह दिया, जो हमारे से हो सकता है हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करते रहेंगे और क्या करेंगे, लोकतंत्र में अपनी बात करने का और क्या तरीका है। लगातार इस चीज की अफवाहें चल रही है पहले से ही, ये लोग कह रहे हैं कि पहले से जिताने की, किस तरह से क्या माना? देखिए भाजपा के प्रत्याशी ने पहले ही कहा था कि मुझे तो डीएम सर्टिफिकेट दे देगा, तो डीएम ने सर्टिफिकेट दे दिया, भाजपा का प्रत्याशी तो पहले बयान दे रहा था कि मुझे डीएम सर्टिफिकेट देगा, तो भाजपा के प्रत्याशी का सर्टिफिकेट डीएम ने दे दिया, जब डीएम के पास सर्टिफिकेट रखा हुआ था तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया? अब यहाँ पे हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन प्रदर्शन को देखते हुए क्या कहेंगे? नहीं नहीं प्रदर्शन करेंगे, निश्चित रूप से प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात को रखने का अधिकार हमें, अपनी बात रखेंगे ठीक, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
ये तो प्रशासन की मुद्दे की जीत हो रही है।